नमस्कार दोस्तों दोस्तों बिग मिस्टेक इन कॉलम कास्टिंग। जब हम लोग कॉलम का ढलाई करते हैं, हम लोग एक बार जो एक फ्लोर दूसरे फ्लोर तक नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते हैं, लिफ्ट वन लिफ्ट टू। तो क्या होता है, पहला लिफ्ट सीधा, दूसरा लिफ्ट ऐसा, तीसरा लिफ्ट ऐसा, इस तरह का तो आरा तिरछा हो जाता है। तो ये इस तरह का कॉलम का कास्टिंग नहीं होना चाहिए। आज हम चलते हैं, इसी बार हम दिखाएंगे कि भाई किस वजह से होता है और आप इसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे कि आप कॉलम पूरा सीधा हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये जो कॉलम ढलाई हुआ है, नीचे यहाँ नीचे स्टार्टर है, स्टार्टर से फर्स्ट लिफ्ट जो है पहला बोर्ड तक वो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो कॉलम जो पार्ट ढलाई हुआ है, आपका रूफ जिस समय छत ढलाई हो रहा था उसके साथ, वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो गया। अब आप देखने से ही लग रहा होगा क्या इस ठीक है या गलत है। आप भी कह सकते हो कि ये जो है गलत तरीके से कास्टिंग हुआ, इस तरह के जो है कॉलम ढलाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कॉलम की ढलाई की बात करते हैं तो वो पूरा हमेशा जो है इन 90 डिग्री में रहना चाहिए, मतलब कि पूरा सीधा, ना तिरछा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई नीचे से तो पहला लिफ्ट ठीक गया, मतलब कि पहला बोर्ड, मतलब कि एक सिंगल बोर्ड जो 2.4 मीटर मतलब लगभग 8 फीट का होता है, वो बोर्ड आपका ठीक है कास्टिंग। लेकिन उसके ऊपर जो सेकेंड लिफ्ट जो ढलाई हुआ है, जिस समय स्लैब का मतलब रूफ का स्टेजिंग हुआ था उसके साथ, वो पूरी तरीके से जो है कहीं आपका ऊपर वाला पार्ट का कॉलम का कहीं पतला, कहीं तिरछा, कहीं मोटा, इस तरह कर दिया। ये एक वेरी बैड प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। और साथ ही साथ इतना तो हुआ ही, और कहीं कोपला निकल जाने के चक्कर में जो है पूरा हनीकम आ गया, मतलब ये पूरा कंक्रीट में जो है हनीकम आपको दिखेगा। तो ऐसा जो है बिल्कुल ना हो। यहाँ पे देखिए किस हिसाब से किया गया, पूरा तिरछा। तो ये सब मिस्टेक क्या कर? इस मिस्टेक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, जिससे क्या है कि भाई पूरा 100% फिनिशिंग रहे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने में। इसका एक ही आप काम कर सकते हैं कि भाई कॉलम का जो बोर्ड है, शटरिंग बोर्ड है, वो आपको फुल बोर्ड, मतलब कि बीम का बॉटम तक आपको जो ढलाई मारना पड़ेगा। यहाँ आप फिर से आपको देखिए, यहाँ ऊपर वाला पार्ट जो है कॉलम का थिकनेस जो है कम कर दिया गया, जबकि नीचे सही है, स्टार्टर भी सही है। जो हम लोग कॉलम ढलाई से पहले जो स्टार्टर बनाते हैं कॉलम का, उसके बाद जो पहला लिफ्ट जो हम लोग कॉलम का ढलाई करते हैं वो भी सही है, लेकिन सेकेंड लिफ्ट जो ढलाई किए हैं वो गड़बड़ है, और उसी में जो है हनीकम आया है, उसी में जो है आपका कॉलम आरा तिरछा हुआ है, कहीं कॉलम का थिकनेस कम है, कहीं कॉलम का जो है तिरछा हो गया है। तो इस तरह जब हम लोग कॉलम ढलाई करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि भाई कि इस तरह का समस्या ना आए, ठीक है। ये तो ठीक है, साथ ही अब इसी चीज़ को देखते हुए आपका जो है बीम का भी जो पोजीशन है आपका आगे पीछे हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, जब आप ईटा की चिनाई करेंगे नीचे से तो भाई ऊपर जाते जाते जो आपका जो है बीम का जो है आगे पीछे इधर उधर हो जाएगा, जिससे कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको प्लास्टर के समय में ज़्यादा मोटर का मतलब मसाला देना पड़ेगा, तो कहीं पर जो है पूरा प्लेन हो जाएगा जिससे कि मसाला ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर किस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ देखिए अब सारा कॉलम आप देख सकते हो किस हिसाब से जो तिरछा और छज बना हुआ, ठीक है। तो अब इसका समाधान क्या किया जाए? तो जब इस तरह का समस्या आया, क्योंकि क्या कि जब कोई भी समस्या हम लोग के सामने आता है तो हम लोग उसका समाधान की तरफ दौड़ते हैं, वैसे का क्या समाधान करें कि इन फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम ना आए एग्जीक्यूशन करते समय कॉलम का, और पूरा जो है क्वालिटी और के साथ जो है ये काम हो। तो इसका समाधान बस यही है कि फुल बोर्ड कास्टिंग, मतलब ये कि पूरा बोर्ड एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जो है पूरा फुल बोर्ड, मतलब बीम का बॉटम तक जो है कास्टिंग पूरा करें, जिससे एक ही साथ अगर ढलाई होगा तो ऑब्वियस सी है कि इस तरह का समस्या ना होगा, ना तो आपका जो है उसमें हनीकम आएगा, ना ही आपका कॉलम का सेकेंड लिफ्ट जो होगा उसमें आरा तिरछा भी बिल्कुल नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा लगभग एक 3 मीटर का जो है हाइट में फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, उसमें बीम का डेप्थ माइनस करके तो उस हिसाब से इतना बड़ा कैसे आएगा बोर्ड? तो इतना बड़ा बोर्ड क्या कैसे बनाना है? इस बोर्ड को बनाने का तरीका है कि भाई उसमें ऊपर साइड में जॉइंट कर दीजिए,
ज्वाइंट करेंगे तो आपका पूरा जो है सीधा बन जाए। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ज्वाइंट का साइन दिख रहा होगा क्योंकि वो बोर्ड ज्वाइंट है, कॉलम ज्वाइंट नहीं है, बोर्ड का ज्वाइंट है। ऊपर में आप लगभग 250 mm जो आपको हाइट दिख रहा है ऊपर पार्ट में, वो बोर्ड का ज्वाइंट है। हम आपको बोर्ड भी दिखाएंगे, बोर्ड में किस हिसाब से ज्वाइंट किया गया। देखिए, अगर आप 2.8 मीटर मतलब कि 8 फीट के आसपास जो है लगभग करेंगे, यहाँ पर देखिए बोर्ड में जो है ज्वाइंट बनाया गया है, भाई 250 mm के आसपास ज्वाइंट रहेगा, जिससे क्या कि भाई कि आपको जो है कोई भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा, ये ज्वाइंट है, ठीक है। तो एक ही साथ आपका जो है कॉलम पिलर ढलाई हो जाएगा, है ना ज़बरदस्त ट्रिक। हाँ, याद रहे, जब भी कभी आप पिलर ढलाई करेंगे उसमें प्रॉपर कंपेक्शन करना, मतलब कंक्रीट वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करना। और वैसा करेंगे तो आपका कॉलम जो है पूरा एकदम सॉलिड रहेगा, सरफेस एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, कोई भी तरह का हनीकम नहीं रहेगा, और साथ ही साथ जो है आपका कॉलम मजबूत भी बनेगा। तो दोस्तों देखिए, आप इस तरह की गलती ना करें। हाँ, अगर आप जो है दो लिफ्ट में कास्टिंग करना चाहते हैं तो प्रॉपर उसको चेक करके, प्लम बॉब चेक करके, सब कुछ चेक करके जो है डायगोनल चेक करके आप तभी आगे बढ़े, तब जा करके आपका जो है कॉलम एक सटीक और पूरा एकदम शेप में बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल वाक को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो अपडेट आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।